लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। क्या आपने कभी ये सोचा है कि किसी मंदिर में देर शाम जाने वाला इंसान कभी जीवित नहीं लौटा? यूपी के कानपुर में एक ऐसा मंदिर है जहां शाम के समय जाना मना है। यूपी का कानपुर शहर वैसे तो अपने प्राचीन मंदिरों के लिए मशहूर है, लेकिन घाटमपुर तहसील के भीतर गाँव में 5वीं सदी का एक ईंटों का मंदिर है। प्राचीन कलाकृतियों के साथ इस मंदिर में कई अनसुलझे रहस्य भी छुपे हुए हैं। मंदिर परिसर में शाम होते ही इंसान तो दूर परिंदा भी पर नहीं मारता है। ग्रामीणों का कहना है कि मंदिर के नीचे खजाना छुपा है और इस खजाने की हिफाजत आत्माएं करती हैं। जिसने भी इस मंदिर में सूर्य ढलने के बाद कदम रखा वह जिंदा वापस नहीं लौटा। यही कारण है कि 1-3 साल से शाम के 7 बजते ही मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। गांव के लोग बताते हैं कि रात होते ही मंदिर परिसर में से अजीब तरह की आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। ग्रामीणों के मुताबिक सन 1905 में यहां पर बमजारे आए हुए थे और मंदिर परिसर के पास डेरा जमा लिया। इसी दौरान गांव वालों से उन्हें खजाने के बारे में पता चला। खजाना पाने के लिए करीब 1 दर्जन बमजारे मंदिर के पास खुदाई करने के लिए पहुँचे, जहाँ उनकी रहस्यमय ढंग से मौत हो गयी। जब गांव वाले सुबह मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे, तब बंजारों के शव क्षत विक्षत हालत में पड़े मिले। इसी के बाद अंग्रेजी हुकूमत ने मंदिर पर शाम होते ही ताले लगवाना शुरू कर दिया और तब से लेकर अब तक यह सिलसिला जारी है। कानपुर से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 5वीं सदी का ईंटों का बना गुप्तकालीन मंदिर अद्भुत प्राचीन कलाकृति का अनूठा नमूना है। गाँव के लोग बताते हैं कि इस मंदिर के अंदर एक विष्णु जी के 52 अवतार वाली मूर्ति है। मंदिर के नीचे चंद्रगुप्त शासन काल के दौरान का खजाना छुपा है और इसकी सुरक्षा इंसान नहीं बल्कि आत्माएं करती हैं।